सेंटेंस। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया है वो है पैटर्न को आगे बढ़ाओ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ए फिर लिखा है ए, फिर लिखा है बी, फिर लिखा है ए। अब देखिए इसके बाद ये पैटर्न क्या है, देखिए ए ए बी और फिर ए और बी। ओके अब देखिए हरा नीला पीला, हरा नीला पीला, अभी आपको करना है नीला और पीला। विषम संख्याओं पर गोला बनाइए। अब देखिए विषम संख्याएं वो होती हैं जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें जोड़े नहीं बनते हैं, जोड़े मतलब दो दो के ग्रुप नहीं बनते। अब देखिए जीरो नहीं है, वन नहीं है, फिर सॉरी जो विषम संख्याएं होती हैं जिसमें जोड़े नहीं बनते हैं, देखो वन, देखिए दो में जोड़े बनते हैं, तीन में फिर जोड़े नहीं बनते, चार में जोड़े बनते हैं दो दो के, फिर पाँच में नहीं बनते, छः में बनते हैं, फिर सात में नहीं बनते, आठ में बनते हैं और फिर नौ में नहीं बनते। तो विषम संख्या वो होती है जिसमें जोड़े नहीं बनते हैं। अब देखिए किसमें ज़्यादा पानी है, यहाँ पर देखिए दो गिलास दिखा रखे हैं उन्होंने, एक गिलास किया और एक गिलास है, तो किसमें वाला ज़्यादा पानी है, साफ साफ दिख रहा है, तो इधर वाला गिलास में ज़्यादा पानी है, किसमें ज़्यादा पानी आएगा। अब देखिए एक तो छोटा वाला मटका, एक बड़ा वाला मटका है, तो जो बड़ा वाला मटका है उसमें ज़्यादा पानी आएगा। देखिए मटका दो में 11 गिलास पानी आता है, मटका दो में देखिए कितने गिलास पानी आते हैं, 11। मटका एक में मटका दो से दुगना पानी आता है। अब देखिए मटका एक में 11, मटका दो में तो 11 गिलास आता है, इसमें दुगना आता है, इसमें कितने गिलास जाएंगे, 22, 11 दुने 22। मटका एक को भरने के लिए कितना गिलास पानी चाहिए। अब देखिए मटका दो में तो 11 गिलास पानी आता है, तो मटका एक को भरने के लिए कितने गिलास पानी चाहिए, तो कितना हो गया, सिंपल हो गया 11 × 2 = 22, सिंपल है। अंदाजा लगाकर सही जोड़े बनाएंगे। अब देखिए ये है 1/2 लीटर, 1/2 मतलब आधा लीटर, और एक है 20 लीटर। अब देखो आधा लीटर बड़ा होता है कि 20 लीटर बड़ा होता है, 20 लीटर बड़ा होता है। अब देखो इनमें से बड़ा क्या है, एक तो बाल्टी है और एक का दूध नापने वाला जो लीटर होता है वो है। अब देखिए तो जो बड़ा वाला है, जो बाल्टी होती है वो हमारी 20 लीटर की है बड़ाई, और जो छोटा है वो है 1/2 लीटर का। ओके ओके।